दोस्तों हिंदू धर्म में ब्रह्मचर्य का बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। प्राचीन काल में बहुत से ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन कर अमृतत्व को प्राप्त कर लिया, जैसे भीष्म पितामह, स्वामी विवेकानंद जी, हनुमान जी, परशुराम व नारद मुनि इत्यादि। ब्रह्मचर्य का पालन करने से मनुष्य मानसिक व शारीरिक तौर पर बहुत बलशाली हो जाता है। लेकिन सवाल आता है कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, ब्रह्मचर्य के क्या क्या नियम हैं? तो चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब सवालों का जवाब देते हैं और बतलाते हैं आपको कि ब्रह्मचारी कैसे बना जाता है और ब्रह्मचारी बनने के क्या क्या नियम और इसके फायदे हैं। दोस्तों महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को सबसे श्रेष्ठ तपस्या बताया है। ब्रह्मचर्य नियम, ज्ञान, दर्शन, चरित्र, संयम और विनय की जड़ है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ब्रह्मचर्य का पालन सिर्फ तपस्वी ही कर सकते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि इसका पालन हर कोई कर सकता है। आप गृहस्थ जीवन में रहकर भी समय समय पर ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं और इसका लाभ भी ले सकते हैं। दोस्तों ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि इसमें स्त्री पुरुष को शारीरिक संबंध बनाने से बचना होगा, बल्कि इसके और भी बहुत से नियम हैं। दरअसल ब्रह्मचर्य के बहुत से नियम होते हैं जिनका पालन करके आप अपनी जिंदगी में बहुत बदलाव महसूस कर सकते हैं। आजकल के समय में इंटरनेट की वजह से युवाओं की मानसिकता खराब होती जा रही है। हमारी नई पीढ़ी अपनी भारतीय परंपराओं को भुलाकर पश्चिमी सभ्यता की ओर आकर्षित हो रही है। इसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इसके चलते युवाओं में मानसिक व शारीरिक दुर्बलता बढ़ने लगी है। दोस्तों ब्रह्मचर्य दो शब्दों अर्थात ब्रह्म और चर्य से मिलकर बना है। ब्रह्म का अर्थ होता है परमात्मा अर्थात ईश्वर, और चर्य का अर्थ है विचरना, यानी परमात्मा को विचरना, सदैव परमात्मा का ध्यान करना। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचारी कहते हैं। आइए आपको बतलाते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने के क्या क्या फायदे होते हैं इसके बारे में। दोस्तों ब्रह्मचर्य के पालन से व्यक्ति की शारीरिक सुंदरता बढ़ती है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, दोनों के सौंदर्य में वृद्धि होती है। आपने सुना होगा कि पुराने समय में लोग आज के मुकाबले काफी लंबे चौड़े होते थे। आपको बता दें कि उस समय लोग गृहस्थ जीवन जीते हुए भी ब्रह्मचर्य के नियमों का नियमित पालन किया करते थे। यही कारण है कि वे इतने ज्यादा सुंदर और बलवान होते थे। आप भी अगर ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें तो अपने शरीर की सुंदरता और ताकत को बढ़ा सकते हैं। ब्रह्मचारी रहने का दूसरा फायदा है फ्रेंड्स, लंबी उम्र। दोस्तों ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले दोष मुक्त होते हैं। ब्रह्मचर्य के पालन से न सिर्फ शारीरिक बल मिलता है अपितु इससे व्यक्ति की आयु भी बढ़ती है, क्योंकि ब्रह्मचारी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है, जिससे उसको रोग होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है, इसलिए ऐसे लोग लंबी आयु जीते हैं। तीसरा फायदा है फ्रेंड्स, कार्य लाभ। दोस्तों किसी भी आम व्यक्ति के मुकाबले एक ब्रह्मचारी के शरीर में ज्यादा ऊर्जा होती है, जो उसे प्रोफेशन लाइफ में भी आगे बढ़ने में मदद करती है। इससे उसके परफॉर्मेंस में निखार आता है और व्यक्ति अपनी हाई एनर्जी के कारण ज्यादा अच्छा काम कर पाता है। अगर आप भी ऐसी ऊर्जा को बनाए रखना चाहते हैं तो आज से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दीजिए। चौथा फायदा है मानसिक मजबूती। फ्रेंड्स ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले मानसिक रूप से बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं। उनके अंदर चीजों को समझने की बेहतर क्षमता विकसित हो जाती है और उनका दिमाग भी तेजी से काम करता है। ब्रह्मचारी लोग हर प्रकार की सुख दुख की परिस्थितियों को आसानी से हैंडल कर लेते हैं। ब्रह्मचर्य आपको एक साहसी व्यक्ति बनाता है, जिससे कायरता कोसों दूर रहती है। पांचवा लाभ है सामाजिक जीवन में फायदा। दोस्तों सोशल लाइफ में भी ब्रह्मचर्य आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है। जो भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसके अंदर गुस्सा, जलन और बैर जैसे भाव खत्म हो जाते हैं और व्यक्तित्व में बहुत सुधार आता है। ब्रह्मचारी लोगों के चेहरे पर हमेशा एक तेज व चमक बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति हजारों की भीड़ में भी अलग नजर आता है। और चलिए अब आपको बतलाते हैं फ्रेंड्स ब्रह्मचर्य के नियम के बारे में। दोस्तों महावीर स्वामी के अनुसार ब्रह्मचारी ऐसी जगह पर रहें जहां शांत माहौल हो, बस्ती कम हो व जहां पर स्त्रियां ना रहती हो। स्त्रियों से संबंधी ऐसी कोई भी बात ना करें जो चित्त में आनंद पैदा करती हो और विषय उपासना को बढ़ाती हो। ब्रह्मचारी स्त्रियों के अंगों को, उनके हाव भाव व कटाक्षों को देखने से परहेज करें। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति को रसीली चिकनी चीजें जैसे दूध, घी, दही, तेल, गुड़, मिठाई आदि को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसके सेवन से विषय वासना को शीघ्र उत्तेजना
योजना मिलती है। ब्रह्मचारी को समय पर भोजन करना चाहिए और भोजन भी ऐसा हो जो धर्म से मिला हो, उसे परिमित भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचारी को शरीर के श्रृंगार पर जरा भी ध्यान नहीं देना चाहिए, उसे ना तो गहने पहनना चाहिए और ना शोभा या सजावट के लिए और कोई मान करना चाहिए। ब्रह्मचारी को शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श, इन तरह के काम गुणों को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। और दोस्तों, चलते चलते इस वीडियो में हम आपको बता दें कि एक सफल ब्रह्मचारी बनने के लिए और भी बहुत सारे नियम हैं। यहाँ हमने सिर्फ कुछ ही नियम बताए हैं। हम अपने आगे आने वाले वीडियो में ब्रह्मचारी के नियम और फायदों के बारे में और भी आपको जानकारी देंगे। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञानमंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।